क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन इन विच अ फिश अंडर वॉटर सीज सेटिंग सन। फिश पानी के अंदर ना सनसेट देखना चाहती है। अब सनसेट तो कब होगा, जब सन यहाँ पे, सन एक्चुअल में यहाँ पर होगा। हाँ वो अलग बात है, उसको लगता है यहाँ पे, बात अलग है, पर एक्चुअल में सन यहाँ पर होगा। सन ऑब्जेक्ट है फिश के लिए, तो रे निकलेगी सन से और फिश की आई में जाएगी। कोई इसमें टी आई आर नहीं हो रहा, पर सोचो अगर उल्टा होता, ऑब्जेक्ट ये होता और रे यहाँ से निकलती और यहाँ जा रही होती, हम कहते टी आई आर हो रहा है, क्रिटिकल एंगल वाला केस है। तो डायग्राम तो मैच करता ही है, अगर डायग्राम मैच करता है तो ये क्रिटिकल एंगल क्या है इसका आई सी। तो हमने एक फॉर्मूला किया, म्यू साइन सी साइन ऑफ, हमने फॉर्मूला किया साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या थी, 1/μ, और म्यू क्या डेंसर रेरियर बताया था, नीचे वाला डेंसर ऊपर रेरियर, और यहाँ पर तो डेंसर में है ही क्या, वाटर ही तो है क्या ऐसे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डायरेक्शन बतानी है, एंगल बताना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको इस क्वेश्चन में पता है 1/1.33, इसे सॉल्व कर लेना। अजीब सा एंगल आएगा, इसको साइन इनवर्स में छोड़ना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/1.33 इज द आंसर। तो इतने एंगल से देखेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से तो उसको सनसेट दिखेगा। तो क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये टी आई आर हुआ नहीं है, बट डायग्राम मैच करता है किसके साथ, टी आई आर के साथ। आपके सामने ही है, हमारी टी आई आर में रे ऐसे जाती है, इसमें ऐसे आ रही है, बात है कि ये फॉर्मूला तो इसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? वन के बाद टू, टू में इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। अगर मैं आपको इसमें म्यू बता दूं, सी तो आपको पता ही है 3 × 10^8, तो आपको यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी, वी की। अब म्यू निकालने के लिए क्रिटिकल एंगल ये रहा, दिख रहा है इसमें, आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ये 40, ये 30, तो ये कितना, ये 50। तो यहां से साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 30/50, ये लो। तो क्या आ गया, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 3/5। तो मुझे पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता क्या है, 1/μ, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 1/μ। यहां से सॉल्व करके म्यू क्या आएगा, 5/3। तो म्यू को यहां पुट करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, वी आ जाएगा। ठीक यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लासियर सरफेस इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15-15 डिग्री। ये डेविएशन क्या होता है, इसको एक बार ध्यान से देख लो प्लीज। रे ऑफ लाइट आई 45 डिग्री पे इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन का एंगल इसमें आ रहा है। अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो रे कैसे जाती, बिल्कुल सीधी चली जाती, पर कहां मुड़ गई, यहां मुड़ गई, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन कितना है, 15 डिग्री। तो डेविएशन का मतलब कितनी लाइट बेंड हो गई रिफ्रैक्शन के दौरान। तो समझ में आ रहा है, रे ऑफ लाइट अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो ऐसे जाती, रिफ्रैक्शन की वजह से यहां जा रही है तो कितना डेविएट हो रही है, 15 डिग्री। क्लियर है? अब इतनी सी बात से यह पता लग रहा है कि अगर ये 45 है तो पूरा एंगल 45 है, 45 में से ये एंगल 15 है तो बचा हुआ कितना है, 30। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, आर दे दिया। तो आई पता है, आर पता है, आई और आर से आप क्या निकाल सकते हैं, स्नेल लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई पता है, आर पता है, म्यू आ गया, आपको क्या निकालना है, आपको आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल। म्यू आ गया तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ। तो म्यू पुट कर लेना, साइन सी से सी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें,
दो ही चीजें हैं, या तो स्नेल्स लॉ या टीआईआर, किसी चीज ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे। एक ही टेक्निक है इसकी, आज हम पूरी क्लास में यही डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। एक ही क्वेश्चन बार बार आता रहेगा यही वाला, अलग अलग तरीकों से, कॉम्पिटिशन में भी और एनसीईआरटी में भी। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट 70 डिग्री जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस। ग्रेज का मतलब सरफेस के साथ साथ चले जाना। तो रे आती है 70 डिग्री पे इंसिडेंट होता है, आर रिफ्रैक्शन है, रे आती है और इस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाती, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, रादर क्या हो जाता है, सरफेस के साथ ग्रेजिंगली चली जाती है। तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल, और ऑब्वियसली इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल को क्या होना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है यहां तक। तो अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करें और ये नॉर्मल ड्रॉ करें, दोनों नॉर्मल में एंगल कितना है, 90, दोनों नॉर्मल में एंगल 90 है, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर ये बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। ये एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। तीन चीजें इसमें लगेंगी, उसके बाद सिर्फ मैथ्स है। पहला स्नेल्स लॉ, यहां पर क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ। जैसे ये वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वन इंटू साइन ऑफ 70 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू साइन 70 बाय साइन आर। डायरेक्टली भी लग सकता था म्यू इज साइन आई बाय साइन आर, तो यहां ना म्यू पता है और ना ही इसमें आर पता है, तो एक काम करते हैं इसको यहीं रखते हैं। ये बताओ क्रिटिकल एंगल के लिए रिजल्ट क्या यूज करते हैं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ आईसी, साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू वन बाय म्यू, ये यूज करेंगे। और एक और रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आर प्लस आईसी का सम क्या होगा, 90, ऐसे ही होगा। तो आर प्लस आईसी इज इक्वल टू 90, तो IC की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस आर, तो यहां पर साइन ऑफ 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, ऐसे कर लें, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 माइनस आर क्या होता है, कॉस आर इज 1 बाय म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉस आर, ठीक है। अब म्यू ये भी आ गया और म्यू तो ये भी आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, तो साइन ऑफ 70 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 बाय कॉस आर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ 70 इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन आर बाय कॉस आर, जिसको क्या लिख सकते हैं, टेन आर। तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की, कैलकुलेशन में मत जाए, ऐसे एंगल नहीं आते, पर मेथड पे जाएं तो यहां से आर कैन बी कैलकुलेटेड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले तो दो ही लगने हैं भाई,
पहला स्नेल लॉ और दूसरा टीआईआर का, साइंस इज 1/μ। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ से आर डैश या क्रिटिकल एंगल को रिप्लेस करना है, वो रिप्लेसमेंट आप देखो कैसे करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक आंसर आ गया। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको इसमें म्यू भी निकालना है। भाई जब तुम आर निकाल लिया आपने, फिर यहाँ पुट करके म्यू कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड। जब आर ही आ गया फिर तो म्यू के कई फॉर्मले, आर की फॉर्म में जहाँ मर्जी पुट करके म्यू निकाल लेना। हाँ एंगल ऐसे नहीं आएंगे 70 डिग्री, ये बात पक्की है, एंगल ठीक आएंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे अभी, बट अब मेथड पे फोकस करें। इस मेथड के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यही टेक्निक फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक ठीक है, फिर लगाओ इसके ऊपर ये लो नेक्स्ट पे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन ऐसी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ट्राई कर लो। मेथड सेम है जो भी आपने किया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या गिवन है, फाइंड मैक्सिमम एंगल आई फॉर विच द लाइट सफर्स फॉर टीआईआर ऑन वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस कौन सी है? ये वर्टिकल है, वो चाहता है इसके ऊपर क्या हो जाए, टीआईआर। तो यानी कि जो लाइट यहाँ एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनना चाहिए? क्रिटिकल, क्योंकि ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होगा, तभी क्या होगा यहाँ पर टीआईआर। तो डायग्राम तो बिल्कुल सेम बन गया। तो आपको आई निकालना है इसमें, तो पहला रूल तो यहाँ पर लगेगा, बोलो क्या लगेगा? न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, पहला स्टेप क्लियर है। न्यू इज साइन आई बाई साइन आर, न्यू की वैल्यू गिवन है इसमें 1.25 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये लो ठीक, ये वैल्यू आ गई। दूसरा यहां पर क्या लगेगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/μ, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/1.125, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सॉल्व करके आएगी कोई 4/5। इसको ठीक तरह करके लिखोगे ये 4/5 आएगा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है यहां तक? ठीक, अब मुझे पता है इसमें इस ट्राइंगल में आर प्लस आई सी का सम क्या है, 90। तो आई सी की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस आर, तो आई सी की जगह पुट करेंगे 90 माइनस आर। साइन ऑफ 90 माइनस आर इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, पुट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, 4/5। कॉस आर आ गया, साइन आर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ आर क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। तो कॉस आर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 4/5, तो क्या आएगा, साइन आर। साइन आर को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन, ठीक है। और आपको आई तो निकालना है, आई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, साइन आ गया, आई आ गया तो आई भी आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, रूल वही है, मैथ्स अलग अलग है बस इसमें, ठीक है।
सर क्लियर है इसका. नेक्स्ट सिक्स एग्जांपल. को देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. एक ना पॉइंट सोर्स है एस, सोर्स है नीचे पानी का. लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा. कि अगर सपोज करो आपके पास एक मान लो लिक्विड का वेसल है, या आप लेक के नीचे, आप किसी भी वाटर के कंटेनर के नीचे हैं, और ये काफी बड़ा कंटेनर है और ये लिक्विड की सरफेस है ये भी, ठीक है. इमेजिन करें वो कहता है ये सोर्स है और सोर्स बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे है, ठीक है, सोर्स यहाँ पर है. तो जो लाइट सोर्स से सीधी जाएगी, देखो तो सीधी निकली जाएगी, बात एकदम रिफ्रैक्शन हो गई, होगी नहीं इसमें. जो लाइट यहाँ से आएगी देखो वो रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसी अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब कुछ लाइट ऐसी भी होगी जिसने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रखा होगा, क्रिटिकल. अब जब वो क्रिटिकल एंगल बनाएगी तो रे कैसी जाएगी, सरफेस के साथ चली जाएगी. उसी तरीके से यहां पर भी ऐसा होगा, रे कैसी जाएगी, सरफेस के साथ साथ चली जाएगी कुछ ऐसे, क्योंकि यहां पर एंगल क्या बना होगा, क्रिटिकल. क्या बात समझ में आ रही है? तो क्रिटिकल एंगल, एंगल पे क्या होगा, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी. और सोचो अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हर जगह हो रही है, यहां पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल. तो लाइट का क्या हो जाएगा, TIR. ये देखो इस पॉइंट पर लाइट का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, TIR. तो ये लाइट सरफेस से बाहर निकल नहीं पाएगी. तो अगर आप सोर्स नीचे लेके बैठ जाए पानी के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है, लाइट हर जगह से बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी, कुछ पॉइंट से बाहर निकलेगी, कुछ एरिया से बाहर निकलेगी, उसके बाद बाहर निकलनी बंद हो जाएगी. तो इस केस में कौन सा एरिया है, ये वो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया है जहां से लाइट बाहर निकल रही है, इसके बाहर तो बाहर निकल ही रही. तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये पहले ना लिक्विड का लेवल बहुत ज्यादा था, लिक्विड का लेवल एडजस्ट हो गया, ऐसे एडजस्ट हो गया कि ये हाइट कितनी है लिक्विड की, इसमें अब एच हाइट है, इसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, ढक्कन कैप रख दिया. अब लाइट साइड से बाहर निकल नहीं रही, जहां से निकल रही है वहां आपने गोल ढक्कन रख दिया. अब लाइट का सोर्स आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, साइडों से निकल नहीं रही, जहां से निकल रही है उसको बंद कर दिया, तो सोर्स दिखना बंद हो गया. तो अब आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है एक्चुअल में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड, नीचे हमने सोर्स को प्लेस कर दिया, ठीक है, बॉटम पे, कंटेनिंग लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3. अ पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स फ्रॉम अबव द सरफेस, कोई बंदा ऊपर से देख रहा है इस सोर्स को.
उसके ऊपर देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, तो एक डिस्क घूम रही है 1 सेंटीमीटर रेडियस की. दिस ओ ऑफ द सेंटर डिस्क लाइज वर्टिकली ऑन एस, दिख रहा है मुझे. कह रहा है लिक्विड एच हाइट है, वॉट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल. वो कह रहे जी एच बता दो कितना है इसमें, ताकि अब लाइट बाहर नहीं आ पा रही. जहां से आ रही है वहां ढक्कन रख दिया, और जहां से नहीं आ रही वहां तो आ ही नहीं रही थी. अब इस ट्राइंगल में मुझे एक बात समझ में आती है कि ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल. ये एंगल क्रिटिकल तो ऑल्टरनेट से ये भी क्रिटिकल, इधर से ये क्रिटिकल तो ये भी क्रिटिकल, और ये हाइट क्या है, एच है. तो आप ज्योमेट्री चेक कर सकते हैं, ये हाइट एच है, ये जो हाइट है ये कितनी है, ये एच है. ये रेडियस क्या है, आर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. क्रिटिकल एंगल आपको निकालना पड़ेगा कैसे, 1/μ, क्योंकि म्यू आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. म्यू कितना गिवन है, जो भी है इसमें गिवन है, इतना मुझे पता है. तो यहां से साइन सी में म्यू गिवन है, तो क्या आ गया, साइन सी आ गया. आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ सी की जगह ना यहां पर आई सी लिख लो, हर जगह ये क्या यूज कर रहा है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं. टेन ऑफ आई सी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, आर डिवाइडेड बाय एच होगी, ऐसे होगा. मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है. आर मेरे को गिवन है इस कैप का, टेन ऑफ आई सी में निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को साइन आई सी पता है. तो अगर मेरे को साइन ऑफ आई सी पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ आई सी. तो यहां पर पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी. समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें. क्रिटिकल एंगल से म्यू से साइन सी से टेन सी, टेन सी से आर बाई एच, आर बाई एच से एच आ जाएगा. आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है. आप इस डायग्राम को समझते हो, इस ट्राइंगल में टेन ऑफ आई सी क्या होगा, आर बाई एच. आर क्वेश्चन में गिवन है, ये बता दूं तो आ जाएगा. साइन सी निकालना आता है 1/μ से, साइन सी से मैथ्स की हेल्प से टेन सी निकालना है, ये नहीं आता. जैसे अगर मान लो एक साइन सी की वैल्यू गिवन है, और टेन सी कैसे निकलेगा, साइन सी से कॉस सी निकाल लो. चलो कॉस ऑफ क्रिटिकल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, अब आ जाएगा टेन सी. ठीक है यहां तक.